पूरी दिल्ली के कोने कोने में ले जाकर के जब तक भ्रष्ट के दीवार गति नहीं छोड़ देता, जब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे, ये हम लोग कहना चाहते हैं। आज आज हम लोग ये कहते हैं, ये नारा है भाजपा का दलाल है भ्रष्ट की दीवार। क्यों हम कहते हैं कि भाजपा का दलाल है? भाजपा समर्थित भाजपा के द्वारा अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमीशन 19 जनवरी को इनके 20 विधायकों को निलंबित करने की सिफारिश करता है। हम पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, हम पूछना चाहते हैं भाजपा द्वारा मनोनीत इलेक्शन कमीशन से कि 22 दिसंबर जब राज्यसभा के कैंडिडेट अनाउंस हुए थे, राज्यसभा के इलेक्शन अनाउंस हुए थे, उससे पहले आपने क्यों नहीं इन 20 सदस्यों के 20 विधायकों को निलंबित किया? अगर 22 दिसंबर से पहले कर देते तो राज्यसभा के अंदर इनको आराम से जाने का मौका नहीं मिलता और यह आम आदमी पार्टी टूट जाती अगर ये 20 विधायकों के निलंबन 22 दिसंबर से पहले कर देते। 3 हफ्तों के अंदर क्या ऐसा हो गया कि जो 3 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उसको डिले कर दिया? आज इलेक्शन कमीशन से हम ये जानना चाहते हैं क्यों आम आदमी पार्टी देश भर के अंदर उन्हीं जगहों से वहीं में उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ती है जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना टक्कर होता है और कांग्रेस के वोट काटने के लिए उसी जात उसी धर्म के समीकरण से वो कैंडिडेट उतारती है ताकि कांग्रेस हार जाए। और इस वजह से हम कहते हैं कि केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसे पैदा किया। हमें इन सब चीजों को लोगों के बीच में लेकर के जाना है। जो ये 20 लोग जो जो 20 इनके विधायक निलंबित करे हैं, हमने जून 2016 से हम लोगों ने 2 साल से इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पटीशन डाला है। ये केजरीवाल पार्टी कहती है कि जल्दी फैसला हो गया, हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो फैसला एकमात्र इलेक्शन कमीशन ने किया था वो जया बच्चन केस में किया था और जया बच्चन केस में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया था। यहाँ पे 2 साल इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है तो ये मिली भगत नहीं है तो क्या है? आज हम भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और इलेक्शन कमीशन से जुड़ना चाहते। साथियों किसी भी तरीके से जिस भ्रष्टाचारी के दीवार को चाहे कितने भी गिरगिट की तरह रंग बदल ले, इसको हमने बचने नहीं देना। इस रोड के ऊपर दिल्ली के ऊपर हम लोगों ने असंख्य प्रदर्शन इसके दीवार भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमने किया है और हम सा धक्का एक और लगा दे इसके दीवार और आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में पैदा हुई थी वैसे ही ये खत्म हो जाएगी क्योंकि ये लोग कुछ काम दिल्ली में नहीं कर रहे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का, इतना जोश हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में सब लोग यहाँ पे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।